हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम विक्रांत और आप सभी का स्वागत है साइट के गेम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का गेम प्ले होने वाला है समर स्लैम और हम खेलने वाले हैं रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। और जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज मैं 2K19 खेलने वाला हूँ, 2K2021। और गाइस इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल पर वीडियो नहीं आ पाई। 2023 है ये जो मैं खेल रहा हूँ और मुझे गेम साइबर कैफे पर जाकर खेलनी पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो आइए फिर वीडियो का शुरू करते हैं। तो आइए, ब्रॉक लेसनर की एंट्री यहाँ से होती है। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस जरूर करिए, ऐसी इंटरेस्टिंग गेम्स भी ले लिए। आइए ब्रॉक लेसनर की एंट्री देखते रहें। तो गाइज यहाँ से एंट्री सबकी हो चुकी है। अब शुरू करते हैं WWE हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच होने वाला है और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, कौन जीतने वाला है। मैं बनाऊँ यहाँ पर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर की, देखते हैं कैसे हम पिटाई कर सकते हैं। तो जैसे भी हो वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर। आइए फिर शुरू करते हैं अब डायरेक्ट गेम प्ले। This opportunity, now he's got it. Well, it's always fun to go to the zoo until you fall into the lion's den. The challenger had better sharpen his teeth. तो गाइज यहाँ से मैं स्टार्टिंग में ट्राई करूँगा और ये ट्राई करते हुए और शेट गाइज, मैं पहली बार गेम खेल रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता क्या हो पाएगा। और मैं पहले तो ये पिट रहा हूँ, मुझे होल्ड करना समझ नहीं आ रहा होल्ड कैसे करते हैं। तो मैं ज़रा अपना XW बटन दबा के देखता हूँ लगातार क्या होता है। नो, लगता है ये छोड़ेगा नहीं मेरे को। अभी ज़रा गेम समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हमें गेम खेलने में बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी। और ये पिन को मैंने होल्ड किया और होल्ड करने के बाद अब मैं खेलने का ट्राई करता हूँ। और लगता है मुझे कि मुझे गेम खेलते खेलते एक काम करना पड़ेगा कि सारे बटन की चेक करनी पड़ेगी। तो आइए अब चेक करते हैं कीज़ को और फिर देखते हैं कि हम ब्रॉक लेसनर को मार सकते हैं या नहीं मार सकते। अब क्या होगा, अब चलेगा सिर्फ गेम प्ले और आपको कमेंट्री सुनाई देगी। तो गाइज यहाँ से हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं यहाँ से मारने की। और यह देखिए, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर अपने XW बटन दबा के बार बार, और ये मैंने पटकी से मार दी है। अब थोड़ी सी एक पटकी और मार के देखते हैं उसे उठा के क्या हो सकता है, या इसे उठा के फेंकने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, लगता है नहीं हो पाएगा। और ये मैं पिन करने का ट्राई करता हूँ, पता नहीं यार इसके दो बटन एक बार अपने आप ही क्लिक हो जाते हैं जिससे ये पिन करने लग जाता है अपने आप ही। और मैं ट्राई करूँगा सबसे ज़्यादा ये कि इसे सुपरमैन पंच मारने की कोशिश करूँ, ठीक है। बट अभी हम इसे होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए जिससे कि ये ज़्यादा उठ ना पाए, और उसके बाद फिर ट्राई करते हैं कि और क्या हो सकता है। और ये देखिए, जैसे कि मैं अभी एक और पटकी मारने की कोशिश करूँगा, छोटी सी एक सुपरमैन, पर यहाँ पर देखिए पावर बूम काम नहीं कर रहा। अब मैं दोबारा इसे बीच में ला के कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर मैं गिरूँ, बट ये पिन का बटन दोबारा से ही दब जाता है। गाइस मैंने आपको बताया था कि ये गेम मैं पहली बार खेल रहा हूँ, वो भी साइबर कैफे में जाके खेल रहा हूँ, तो मैं आवाज़ इतनी नहीं कर सकता हूँ वहाँ पर। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर पट्टी मार दी है, मैं उछलने का ट्राई कर रहा था बट अभी यहाँ नहीं हो पाया। तो मुझे आवाज़ जो है, ये जो मेरी वॉइस ओवर है, ये मुझे बाहर से डालना पड़ रहा है।
तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैं आप पटकने की कोशिश करूँगा, बट अब लगता है कि ब्रॉक लेसनर मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब फर्क ही पड़ने वाला है, क्योंकि बटन जो है जो क्लिकेबल बटन है वो अलग चल रहे हैं। अब देखिए वो मुझे सुप्लेक्स मार रहा है, अब पता नहीं क्या हो पाएगा। और ये देखिए थर्ड सुप्लेक्स इसने मार दिया, मुझे नहीं लगता मैं अब उठ पाऊँगा। बट मैं आपको बताता हूँ एक की के एक्स और वाई एक्स को एक साथ अगर दबाते हैं तो उससे क्या होता है, जो पिन होता है वो होल्ड होता है और जो आपका कैरेक्टर वो भी जल्दी उठ पाता है। देखिए अब इसने ज़रा मुझे एक तरह से लॉक लगा दिया है। अब लॉक लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स डब्ल्यू को दोबारा एक साथ दबा के होल्ड करते ही ब्रेक कर देगा। मैं देखिए ब्रेक करने के लिए इस पर कीज क्लिक करता हूँ और ये देखिए मुझे इन्हें ब्रेक कर दिया है। और अब मैंने इसे दिया एक छोटा आरकेओ और उसके बाद मैं आप कोशिश करूंगा इसे और कुछ मारने का, बट यहाँ पर ये मुझे रोक रहा है। अभी मैं बाहर जाता हूँ, बट मुझे लगता है ये गलती है मेरी बाहर जाना, क्योंकि मुझे यहाँ बाहर इस टाइम नहीं। शेट, तो गाइस यहाँ पर देखिए ब्रॉक लेसनर अभी रुकने का मना ही नहीं ले रहा है और मुझे उठने तक का मौका भी नहीं दे रहा है। अब देखिए जैसे मैं उठने की कोशिश करूँगा वो पहले ही मुझे मार देगा, जिससे मैं सहम नहीं सका। और ये देखिए इसने मुझे मार दिया है। अब बात करते हैं कि अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर टाइम चल रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिंग के अंदर पहले चला जाऊँ और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। रिंग में जाने के बाद मैं पहले इसको मारने की कोशिश करता हूँ, ज़रा एक दो पंच मार के मैं कोशिश करूँगा कि इसे सुपरमैन पंच मार के इसे अपना अटैक दे सको। और ये पावर बम देके पिन करता हूँ मैं 1-2 और ये मुझे लगता है होल्ड कर ही देगा, तो इसने होल्ड कर दिया है। अब ट्राई करते हैं और कुछ चीज़ें, और कुछ बेहतर ट्राई करता हूँ। और शेट ये देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ये देखिए क्लिक टू क्लिक हो गया, जिससे कि पॉल ही मैंने ध्यान भटकाने आया ब्रॉक लेसनर का। और अब पता नहीं क्या होगा, देखिए उसने मुझे दोबारा सुप्लेक्स के लिए उठाया बट मैंने उसे रोक लिया। देखिए इसके कुछ किस फैक्टर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आप ये गेम खेल रहे हैं 2K23 खेल रहे हैं तो देखिए पहले आप समझ के जाइएगा कि इसके बटन कैसे काम करते हैं। और ये देखिए मैंने सुप्लेक्स मारा, मैं कोशिश करूँ एक और स्पेयर देने की और ये स्पेयर देती है, मैं कोशिश करूँगा पिन करने की, पर ये लगता है होल्ड कर देगा 1-2 और ये देखिए इसने होल्ड कर दिया। तो मुझे नहीं लगता था ये होल्ड करेगा, बट अभी मुझे क्या करना है, दोबारा से इसे पिन मारने के लिए रोकना है। नो शिट, मैं होल्ड करता हूँ, मैं होल्ड कर दूंगा। और देखिए जैसे मैंने होल्ड कर दिया है, तो उम्मीद ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लॉक लगाने से पहले होल्ड कर सके दोबारा से। और ये देखिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं नहीं आउट होऊंगा, तो आउट होने से पहले मुझे होल्ड करना पड़ेगा, मैंने होल्ड कर चुका हूँ। तो होल्ड क्लिक करते ही मैं जैसे ही होल्ड करूँगा तो ये रोक देगा, ठीक है। अब क्या करना है, मैं कोशिश करूँगा उससे किक मारने के बाद सुपरमैन पंच मारूँ दोबारा। और ये पता नहीं यार ये पिन क्यों पकड़ लेता है बार बार, मैं अगर कोई डबल के लिए एक साथ क्लिक कर देता हूँ तो ये पिन करने लग जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ इसे एक और लॉक लगा लिया है, बट ये मुझे भी होल्ड कर देगा। तो एक बार देखते हैं फिर से कि क्या हो सकता है, कि ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। और ये देखिए जैसे मैंने बताया ये होल्ड कर चुका है और अब हमें बस चेक करना है और इन्हें थोड़ा सा मारना। और ये ना सुप्लेक्स मार दिया मुझे ब्रॉक लेसनर ने, फिर ये लगता है एक और मारेगा, फिर उसके बाद लगता है ट्रिपल मारेगा। शिट, ये तो हैट्रिक हमेशा ही करता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे होल्ड करना है कि पिन ना कर देंगे। नहीं, चलो पिन नहीं करेगा, ये रेफरी आया हुआ है। और शिट, ये तो F5 देने वाला है, मुझे होल्ड करना पड़ेगा लगता है मुझे भी। और ये मैं होल्ड कर रहा हूँ। गाइज मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि अभी से पट्टी देने के बाद मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये गेम मैं साइबर कैफे में जाके खेल रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई यही कीजिएगा ये गेम अगर आपको खेलनी है। और ये देखिए मैं अब इसे रिंग के बाहर जाके एक सुप्लेक्स देने का ट्राई करूँगा। और ये देखिए मैं एक बार कूद गया, अब मैं कोशिश करूँगा कि रिंग के ऊपर ये जो है उस पर खेलने की कोशिश करूँ इसे, बट अभी देखने से पता चलेगा क्या होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो है क्लिक करने से ही पहले रोक देता है। तो गाइस मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेम प्लेस को और मैचेस को अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं गेम प्ले पर। और ये देखिए मैं यहाँ से ट्राई करूँगा थोड़ा सा और यहाँ से देखिए जैसे ही टाइमर बढ़ रहा है तो मेरा मौका ये रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी अंदर चला जाऊँ। देखिए मैंने ब्रॉक लेसनर अंदर भेज दिया, मैं भी अंदर जाऊँगा, पर उससे पहले मैं ट्राई करूँगा कि अलग तरीके से जाऊँ, क्योंकि अगर मैं सही से अंदर नहीं गया तो ब्रॉक लेसनर मुझे यही रोक सकता है। ये देखिए यहाँ टाइमिंग चल रही है और यहाँ से देखिए यहाँ देखिए ब्रॉक लेसनर को क्या हो गया। अब देखिए मुझे यहाँ से बचना पड़ेगा और फिर इसे सुप्लेक्स देने की कोशिश करनी पड़ेगी दोबारा, या सुपरमैन पंच देने की कोशिश करनी पड़ेगी, सुपरमैन पंच जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये और देखिए ये एक स्पेयर, और मुझे लगता है मैं इसे पिन करूँगा तो लगता है आउट हो जाएगा। और ये मैंने पिन किया 1-2 और ये
और शेट कि मैंने फिर से होल्ड कर दिया। तो गाइज अब मुझे लगता है मेरा स्पेशल अटैक आने ही वाला होगा, जिससे क्या होगा अगर मैं इसे अटैक मारूंगा तो उससे क्या होगा कि ये दोबारा उठ नहीं पाएगा, तो मैं पिन करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। यहाँ से देखिए गाइज मैं एक दूसरे की पट्टी देने की दोबारा कोशिश करता हूँ, और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या हो सकता है। और उससे पहले यहाँ पर देखिए मैं बच गया, और मैं आपको एक चीज़ और बता चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपको बता दूँगा आने वाली कुछ वीडियोज़ में गेम प्ले बहुत अच्छी होंगी। अब देखिए मैं स्पेशल बन चुका हूँ, अब देखिए क्या होगा, या तो स्पेयर या सुपरमैन पंच, और ये देखिए मैंने स्पेयर मार दिया है और अभी मुझे लगता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से एक बार ट्राई करूँगा यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को कोई ना कोई अटैक है पटके देने के लिए। तो यहाँ से देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर मारने की कोशिश करता हूँ वो मुझे रोक लेता है और पिन करता है, मैं दोबारा से होल्ड करता हूँ यहाँ पर एक दो, और ये मैंने होल्ड कर दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो अब मैं ट्राई करूँगा इसे करें सुपरमैन पंच मारने का यहाँ पर उसे होल्ड करने के बाद, और इसे फिर स्पेयर मारने का, पर ट्राई करते हैं कि हो पाएगा या नहीं जल्दी से जल्दी। तो आइए चेक करते हैं। देखिए जैसे कि ये मुझे रोकने नहीं दे रहा है, और ये देखिए पट्टी और पट्टी दिए जा रहा है। मैं ट्राई करूँगा अलग से चीज़ के यार ये कुछ और हो सके, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कुछ होगा या नहीं। और ये देखिए ये मैसेज पे इसने मुझे मारा, और अब देखते हैं क्या होगा। ये देखिए अब मैं इसे मारने की मैं कोशिश करूँगा। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर मारा, और यहाँ पर मुझे सुपरमैन पंच, और गाइस अब मैं इसे दूंगा डायरेक्ट अटैक, और ये मैंने दिया अटैक। अब मैं करूँगा इसे पिन, अब मैं करूँगा पेन वन टू, और ये गाइस यहाँ इन्हें होल्ड कर दिया। मुझे नहीं लगता था ये होल्ड करेंगे यहाँ पर, बट आगे देखिए एक और बार इसे मारने की कोशिश करेंगे, और ये देखिए अब लगता है कि हो ही जाएगा पिन। तो ये मैंने दिया स्पेयर, और अब मैं करूँगा इसे पेन, और ये वन टू थ्री टिंग। Yes.